वे जरा से मत पी, जरा के बोतल ले ले, ले ठंडा पानी की बोतल, वो गर्म पानी था। पैसा कमाने के चक्कर में ये सब लोग होटलों पर गर्म पानी रखते हैं ताकि सब ठंडी बोतल खरीदे। आराम से पियो, आराम से। बताओ कितने रुपए हुए इसके? मैं पानी की बोतल के पैसे नहीं लेता। पैसे नहीं लेते? अरे क्यों, हमारी सिटी में तो ये बोतल 20-20, 30-30 रुपए की मिलती है। वो मुहर्रम का महीना चल रहा है ना, वो आपके प्यारे इमाम हुसैन करबला में प्यासे शहीद हुए थे और मैं इसी वजह से हर साल हर प्यासे को फ्री में पानी पिलाता हूँ और इसी वजह से मुझे भी मुहर्रम के महीने में पुण्य मिल जाता है। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, ढोल बजाओ ना। चलो चलो सब चालू करो, बजाओ बजाओ। अबे तू पागल ले गया, तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया और तू ढोल भी नहीं गिरा। रुको भाई, फिर अभी क्यों ढोल बजा रहे थे? मुहर्रम इमाम हुसैन की याद में बजा रहे थे, अभी तो जाने थे। रुक, इमाम हुसैन शहीद हुए तो तुम ढोल बजा रहे हो, अब तो तेरी माँ भी नहीं रही। बजा ढोल बजा। इमाम हुसैन की याद में ढोल बजाए जाते भैया? ओ भैया, इमाम हुसैन की याद में ढोल नहीं बजाए जाते, उनकी याद में रोजे रखे जाते हैं, लंगर खिलाया जाता है, नमाजें अदा की जाती है, गम है हुसैन मनाया जाता है। और हाँ, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे समझाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोला था, तेरी माँ सही सलामत है। बाबा, आपसे मुझे कुछ कहना है। क्या हुआ बेटा, बोल। सारी तैयारियाँ अच्छी चल रही है, बस एक चीज की कमी है। किस चीज की बेटा? बाबा, हमारे नबी हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर और बैठकर पानी पीते थे और मैंने मुहर्रम पे हमेशा देखा है सब खड़े होकर पानी पीते हैं, बहुत से लोग तो बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते। आप कुछ ऐसा करो कि सब लोग मुहर्रम पर बैठकर पानी पिए। अरे बैठ के पानी पे बैठ रहे, नीचे बैठो, नीचे नीचे बैठो सब, नीचे बैठो। आज तूने सच में हुसैनियों वाला काम किया है। थोड़ा सा पानी मिलेगा? इसमें तो थोड़ा सा ही पानी है और मेरे बेटे को दवाई भी खाना है। ये लीजिए, आप पी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, पानी कहाँ गया इसमें से? बेटा, इनको प्यास लगी थी तो मैंने इनको पिला दिया। वो तो थोड़ा सा ही पानी था, वो भी आपने इनको पिला दिया। आपको जब पता है मेरी बीपी की दवाई चल रही है, मैं अब दवाई कैसे लूंगा? 15-20 मिनट में अगला स्टेशन आ जाएगा, उसमें ले लेंगे दूसरी बोतल। अम्मी, चोर जैसी तो इसकी शक्ल है, क्या मतलब आ रहा था आपको इसको पानी पिलाने का? तूने करबला का किस्सा नहीं सुना? इमाम हुसैन कितने दिन प्यासे रहे और तू तो 15 मिनट भी प्यासा नहीं रह पा रहा है। यजीद मत बनो, हुसैनी बनो, और हुसैनी वो होते हैं जो प्यासों को पानी पिलाते हैं। क्या सोच रहे हो बाबा? कुछ नहीं बेटा, जिंदगी में बहुत परेशानियाँ चल रही है। परेशान मत हो बाबा, मेरी तरह हंसते रहो। तू नहीं समझेगा बाबा, करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन शहीद हुए तब उनके बदन पर 113 सुराग तीरों के थे, 33 जख्म नेजों के थे और 34 घाव तलवारों के थे। इतने जख्म शरीर पे होने के बाद भी इमाम हुसैन सजदे में जाकर मुस्कुरा रहे थे। बाबा, हमारे नबी ने फरमाया, जब आप परेशान हो तो मेरी और मेरे खानदान की परेशानियां याद कर लिया करो, तुम्हें अपनी परेशानियां कम लगेगी। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता? जब अम्मी करबला का किस्सा सुन रही थी तब मैं उनके पेट में था। क्या अब भी आप परेशान हो बाबा? अरे आजा, तू भी दाना डाल दे। पहले तो मेरी वीडियो बनाना, मैं इन कबूतरों को उड़ाऊंगा। ये ये ए ऊ वीडियो बनाना बनाना। अबे क्यों, क्या मार क्यों रहा है? मुहर्रम का महीना चल रहा है, इन कबूतरों को दाना पानी डालना चाहिए और तू इनको भगा रहा है। इस मुहर्रम के महीने से अपना क्या लेना देना? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मुहर्रम के महीने में जो इनको खिलाता पिलाता है उसकी हर दुआ कबूल होती है। अरे कहाँ से सुन के आ गया अफवाह? ये अफवाह नहीं, मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा है। हमारे प्यारे इमाम हुसैन
करबला में शहीद हुए थे। इन कबूतरों का और इमाम हुसैन का बहुत गहरा रिश्ता है। हाँ, आपके प्यारे इमाम हुसैन का लहू ये कबूतर अपने बदन पर लगाकर करबला से मदीने लेकर गए थे। दुरुस्त मेरे भाई, इसीलिए इन कबूतरों को जो मोहर्रम पर खिलाता पिलाता है उसकी हर दुआ कबूल होती है, क्योंकि कबूतर फिर इंसान के लिए दुआ करते हैं।